पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी और सईद अजमल को बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर दिया है। इन दोनों को पीसीबी ने 2016-17 की अनुबद्ध सूची से बाहर करके साफ संदेश दिया है कि दोनों खिलाड़ी पाक क्रिकेट बोर्ड की भविष्य की योजनाओं में शामिल नहीं है। अफरीदी को पिछली अनुबद्ध सूची में सबसे ऊंची ए श्रेणी में रखा गया था, लेकिन इस बार वो पूरी सूची में ही जगह बनाने में नाकाम रहे। बोर्ड ने ऑफ स्पिनर सईद अजमल को भी सूची से हटा दिया है। उन्हें आईसीसी ने 2014 में प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन पीसीबी ने तब भी पिछली बार उन्हें सूची में रखा। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जुनैद खान को भी सूची से हटाया गया है। नई सूची में लेग स्पिनर यासिर शाह को सबसे अहम ए श्रेणी में रखा गया। पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक को भी शीर्ष श्रेणी में जगह दी गई है। हालांकि बल्लेबाज अहमद शहजाद और उमर अकमल को सी श्रेणी में खसका दिया गया। आपको याद दिला दें कि शाहिद अफरीदी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सम्मानजनक विदाई चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अंतिम मैच खेलने की भी इच्छा जताई थी। इस पर जावेद मियांदाद ने कहा था कि अफरीदी को अंतिम मैच देने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर अफरीदी ने कहा था कि मियांदाद पैसों के भूखे हैं, तो मियांदाद ने उन्हें मैच फिक्सर कह दिया था। दोनों के बीच कई दिन चली ये लड़ाई अब जाकर शांत हुई है। NMF News की रिपोर्ट।